तो दोस्तों फाइनली OB44 का अपडेट आ गया है, और इस OB44 अपडेट में अगर कैरेक्टर एबिलिटी चेंज की बात करें तो टोटल 7 कैरेक्टर की एबिलिटी में चेंजेस किए गए हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इन 7 कैरेक्टर की एबिलिटी में चेंजेस हुए हैं, इसके अलावा किसी भी कैरेक्टर की एबिलिटी में चेंज नहीं हुआ है। बहुत सारे यूट्यूबर बोल रहे थे ओरियन कैरेक्टर की एबिलिटी चेंज होगा, अदर बहुत सारे कैरेक्टर बता रहे थे, लेकिन कोई अदर कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ है। केवल ये 7 कैरेक्टर जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसकी एबिलिटी चेंज हुआ है, जिसमें कि तत्सुया कैरेक्टर की एबिलिटी को घटाया गया है, बाकी 6 जो कैरेक्टर हैं उन 6 कैरेक्टर की एबिलिटी को कुछ ना कुछ बढ़ाया गया है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो के अंदर इन 7 कैरेक्टर की न्यू एबिलिटी को पूरा डिटेल्स के साथ अच्छी तरह से जान लेते हैं, समझ लेते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कैरोलिन कैरेक्टर की न्यू एबिलिटी को जानते हैं, क्योंकि OB44 अपडेट में कैरोलिन कैरेक्टर की एबिलिटी चेंज हो गया है। तो चलिए हम लोग कैरोलिन कैरेक्टर की न्यू एबिलिटी को जल्दी से जान लेते हैं। तो कैरोलिन कैरेक्टर की न्यू एबिलिटी क्या है कि ये आपका मूवमेंट स्पीड को 16% बढ़ाता है, लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल कंडीशन में आपका 16% मूवमेंट स्पीड बढ़ाता है, बहुत ज्यादा मूवमेंट स्पीड बढ़ाता है, लेकिन यहाँ कुछ कंडीशन होता है, हमेशा जो है ना 16% स्पीड नहीं बढ़ाता है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए सामने एडम दौड़ रहा है, पीछे से कैरोलिन दौड़ रहा है, यहाँ कोई मूवमेंट स्पीड नहीं बढ़ा रहा है कैरोलिन कैरेक्टर। अगर मूवमेंट स्पीड ज्यादा रहता कैरोलिन का तो एडम को कब का पीछे कर देता, क्योंकि 16% बहुत ज्यादा होता है। तो कब देखिए कब जाकर के मूवमेंट स्पीड बढ़ता है कैरोलिन का, चलिए मैं अभी आपको दिखा देता हूं। तो आप लोग स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पर एक तरफ एडम कैरेक्टर है, एक तरफ कैरोलिन कैरेक्टर है, दोनों के हाथ में चार्ज बस्टर है, ठीक ना। तो अब जाकर के देखिए जब एडम कैरेक्टर दौड़ना स्टार्ट करता है, इसके पीछे से कैरोलिन कैरेक्टर दौड़ना स्टार्ट करता है, ठीक ना, पीछे से स्टार्ट किया, लेकिन देखिए थोड़ा ही देर में देखिए कैरोलिन कैरेक्टर एडम कैरेक्टर को पीछे कर देता है, जबकि दोनों के हाथ में चार्ज बस्टर है। तो यहाँ कैरोलिन कैरेक्टर की यही एबिलिटी है कि जब कैरोलिन कैरेक्टर के हाथ में कोई भी शॉर्ट गन होगा, कोई भी शॉर्ट गन, तो उसका मूवमेंट स्पीड 16% बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो ये कैरोलिन कैरेक्टर की न्यू एबिलिटी है। तो आपको ये याद रखना होगा कि कैरोलिन कैरेक्टर के हाथ में शॉर्ट गन होना चाहिए, शॉर्ट गन के अलावा कोई भी गन रहेगा तो कैरोलिन की एबिलिटी एक्टिव नहीं होगा। यहां देखिए P90 हाथ में है, तो देखिए एडम कैरेक्टर को पीछे नहीं कर पा रहा है कैरोलिन कैरेक्टर, मतलब कि शॉर्ट गन हाथ में रहेगा तभी कैरोलिन की एबिलिटी एक्टिव होगा और मूवमेंट स्पीड 16% बढ़ेगा। तो यहां पर स्क्रीन पे आपको शॉर्ट गन दिख रहा है, ये सब शॉर्ट गन है, और साथ ही साथ हाथ वाला जो शॉर्ट गन आता है, आप लोग डबल बैरल बोलते हैं हाथ वाला हैंड कैनन, उसको शॉर्ट गन का कैटेगरी में नहीं रखा गया है, इसलिए हैंड कैनन के साथ कैरोलिन की एबिलिटी एक्टिव नहीं होता, आप यहां भी देख सकते हैं। बाकी अदर जो शॉर्ट गन है M10 और मतलब जो शॉर्ट गन है सबके साथ कैरोलिन की एबिलिटी एक्टिव होगा और मूवमेंट स्पीड 16% बढ़ जाएगा OB44 अपडेट के बाद। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो सेकंड कैरेक्टर है वो है जोसफ कैरेक्टर। जोसफ कैरेक्टर की एबिलिटी में भी OB44 अपडेट के बाद कुछ थोड़ा सा चेंज किया गया है, चलिए मैं शॉर्टली आपको बता देता हूं। तो जोसफ की एबिलिटी तो सेम टू सेम है, जैसे कि देखिए मूको कैरेक्टर जब जोसफ को मारता है इसके ऊपर कोई मार्क नहीं लगता है, साथ ही साथ जोसफ का मूवमेंट स्पीड 10% बढ़ जाता है। ये 5 सेकंड के लिए 10% मूवमेंट स्पीड बढ़ा रहेगा और 5 सेकंड तक कोई मार्क नहीं लगेगा, लेकिन 5 सेकंड बाद जब कोई इनिमी मारेगा जोसफ को, ठीक ना, उसके ऊपर मार्क भी लगने लगेगा, स्लो डाउन भी होगा, सारा चीज काम करेगा, क्योंकि जोसफ चले जाता है कूल डाउन में। तो यहीं पर एबिलिटी चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है कि जोसफ का जो पहले कूल डाउन टाइम था वो 60 सेकंड था, लेकिन OB44 अपडेट के बाद जो जोसफ का कूल डाउन टाइम है उसको घटा करके 45 सेकंड कर दिया गया है, मतलब जोसफ कैरेक्टर की एबिलिटी जो 45 सेकंड में बार बार यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक ना। तो ये जोसफ में चेंज मतलब चेंज हुआ है। अब जाकर के देखिए जल्दी से चार्ज हो जाएगा जोसफ, और एबिलिटी तो सेम टू सेम जैसे पहले था वैसा अभी है, मतलब ना होमर से मार्क लगेगा, ना ही होमर से स्लो डाउन नहीं होगा, मुको का मार्क नहीं लगेगा, या फिर अदर कोई मतलब स्लो डाउन या मार्किंग वाला एबिलिटी इसके ऊपर वर्क नहीं करेगा, या स्किल ब्लॉक नहीं होगा जोसफ का। तो ये पहले एबिलिटी थी, अभी भी यही है, लेकिन कूल डाउन टाइम जोसफ का घटा करके 45 सेकंड कर दिया गया है OB44 अपडेट के बाद। तो ये जोसफ की न्यू एबिलिटी है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद बारी आती है निकिता कैरेक्टर का। तो OB44 अपडेट में निकिता कैरेक्टर की भी एबिलिटी को चेंज किया गया है, निकिता कैरेक्टर की एबिलिटी को बढ़ाया गया है। तो चलिए हम न्यू निकिता कैरेक्टर की एबिलिटी को जान लेते हैं। तो यहाँ सामने देखिए, सामने निकिता कैरेक्टर है, निकिता कैरेक्टर जैसे मारता है तो देखिए मेरे चारों तरफ रेड रेड टाइप का ऑरा दिख रहा है, ठीक है, रेड रेड ऑरा दिख रहा है। मेरा अभी 80 HP है और मेरा रेड रेड ऑरा दिख रहा है, और जब अभी मैं मेडिकेट मारूंगा तो सिर्फ आप मेरा HP को देखिएगा कितना HP बढ़ता है। तो 80 HP पहले था, अब देखिए 132 HP हुआ, मतलब 52 HP बढ़ा एक मेडिकेट मारने के बाद, ठीक ना। तो नॉर्मली तो आपको पता है एक मेडिकेट से 75-75 HP बढ़ता है, लेकिन यहाँ देखिए 52 HP बढ़ा, 52 HP बढ़ा। तो यहाँ निकिता कैरेक्टर की एबिलिटी वर्क किया, निकिता कैरेक्टर जिस भी इनिमी को मारेगा और वो हील करेगा तो उसको 30% कम HP मिलेगा। इसलिए मैंने निकिता कैरेक्टर से मारने के बाद मेरे तरफ निकिता कैरेक्टर का रेड रेड ऑरा था, और उसके बाद जब मैं मेडिकेट मारा तो हमको कम HP मिला, ठीक ना। और ये रेड ऑरा खत्म हो जाएगा कितना देर में, 10 सेकंड में, उसके बाद मेडिकेट मारेंगे तो फुल HP मिलेगा। मतलब आपको समझ में आ गया, निकिता कैरेक्टर जिस
से नेमिंग मारेगा, वो अगर मेडिकेट मारेगा या किसी तरह से हील करेगा तो उसको 30% कम एचपी मिलेगा जितना मिलना चाहिए। तो पहला एबिलिटी हो गया। और दूसरा एबिलिटी क्या है कि निकिता कैरेक्टर यूजर जो है ना जल्दी से गन को रिलोड कर सकता है, 30% फास्ट गन को रिलोड कर सकता है। आप यहां देखिए दोनों एक साथ गन लिया, देखिए निकिता कैरेक्टर जल्दी से रिलोड कर लेता है। एक बार फिर से देखिए दोनों एक साथ गन लिया, लेकिन निकिता कैरेक्टर जल्दी रिलोड कर लेगा, फिर कपिला कैरेक्टर रिलोड करता है थोड़ा, मतलब ये हो जाता है निकिता कैरेक्टर यूज करने के बाद अब जल्दी से रिलोड कर सकते हैं, 30% फास्ट रिलोड कर सकते हैं। और जिस भी इनिमी को मारिएगा उसको हील करने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक ना। तो निकिता कैरेक्टर की न्यू एबिलिटी OB44 अपडेट के बाद क्या है कि ये 30% जल्दी रिलोड करेगा गन को, और साथ ही साथ किसी इनिमी को मारेगा तो उसको 30% कम हील मिलेगा मेडिकेट या अदर कोई इक्विपमेंट से, ठीक ना। तो ये निकिता कैरेक्टर की न्यू एबिलिटी है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो फोर्थ कैरेक्टर है जिसकी की एबिलिटी चेंज OB44 अपडेट के बाद हुआ है, वो है कपिला कैरेक्टर। कपिला कैरेक्टर की एबिलिटी में भी थोड़ा सा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा चेंज हो गया, बहुत ज्यादा चेंज हुआ है, इसकी एबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ाया गया है। तो चलिए हम लोग कपिला कैरेक्टर की न्यू एबिलिटी को जान लेते हैं। तो यहां देखिए कपिला कैरेक्टर में यूज कर रहा हूं, ठीक ना, मैं डाउन हो जाता हूं, जैसे दूसरा कपिला कैरेक्टर हमको रिवाइव देना स्टार्ट करता है मेरे को देखिए 80 शील्ड पॉइंट मिल जाता है, तो हमको जल्दी एनिमी फिनिश नहीं कर पाएगा रिवाइविंग के दौरान। उसके बाद रिवाइव होने के थोड़ा देर बाद, मतलब 1 सेकंड बाद ये शील्ड पॉइंट खत्म हो जाता है, ठीक ना। रिवाइव के दौरान मेरे पास शील्ड पॉइंट होगा, ठीक। तो मतलब यही बात है कि कपिला कैरेक्टर जिसको भी रिवाइव करेगा उसको 80 शील्ड पॉइंट मिलेगा, ठीक ना। लेकिन 4 सेकंड तक रहता है, तो रिवाइव होते होते शील्ड पॉइंट खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे शील्ड पॉइंट पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये तो पहला एबिलिटी हो गया। और दूसरा जो एबिलिटी है कपिला कैरेक्टर का कि जिसको भी वो रिवाइव दे रहा है, रिवाइव होने के दौरान जब डाउन होते हैं तब का मूवमेंट स्पीड बहुत कम रहता है, लेकिन ये जो कपिला कैरेक्टर जिसको रिवाइव कर रहा है उसका मूवमेंट से बहुत स्पीड रहेगा, इसलिए डाउन होने के बाद भी आप जल्दी से इधर उधर मूव करके कवर में जा सकते हैं। तो कपिला कैरेक्टर की ये दो एबिलिटी है, जिसको रिवाइव करेगा शील्ड पॉइंट मिलेगा और रिवाइविंग के दौरान उसका मूवमेंट स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, 80% बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये दोनों एबिलिटी है कपिला कैरेक्टर के न्यू OB44 अपडेट के बाद, ठीक ना। इसके साथ जो पुरानी एबिलिटी थी कि डाउन होने के बाद ब्लीडिंग लॉस को कम करता था 35%, वो अभी भी है। मतलब कि जैसे डाउन हुआ, डाउन होने के बाद जो मरता है इनिमी, ठीक ना, यहाँ जो अपने ऑटो ब्लीड होता है उसको 35% कम पहले भी करता था, अभी भी करता है, इसमें कुछ चेंज नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि OB44 अपडेट के बाद न्यू कपिला कैरेक्टर की न्यू एबिलिटी क्या है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद एक्टिव स्किल कैरेक्टर के एबिलिटी चेंज की बारी आती है। तो रेडन कैरेक्टर की एबिलिटी में बहुत बड़ा चेंज किया गया है, रेडन कैरेक्टर की एबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ाया गया है। तो चलिए अब हम लोग रेडन कैरेक्टर की न्यू एबिलिटी को जानते हैं। तो सबसे पहले तो रेडन कैरेक्टर के एक स्पाइडर रिलीज करता है, ठीक ना। इस स्पाइडर को आप एबिलिटी दबा करके कंट्रोल कर सकते हैं, एबिलिटी जहां दबाए कि स्पाइडर रुक जाएगा, अगर आप एबिलिटी नहीं दबाए तो ये स्पाइडर 10 सेकंड तक आगे बढ़ता रहेगा। इसके बाद देखिए ये वाला जो स्पाइडर है, अब जाकर के OB44 अपडेट के बाद ये स्पाइडर मतलब 60 सेकंड तक जो है ना मैप पे रहने वाला है। 60 सेकंड मतलब टोटल 1 मिनट तक मैप के ऊपर रहेगा, कहीं पर भी आप ट्रैप सेट कर दिए तो वो 1 मिनट तक ये ट्रैप सेट रहेगा। तो मतलब बहुत ज्यादा कर दिया गया है OB44 अपडेट के बाद। इसके बाद देखिए स्पाइडर का जो एबिलिटी पहले इनिमी के ऊपर 3 सेकंड तक वर्क करता था, अब 5 सेकंड तक वर्क करता है। तो कैसे मैं आपको दिखा देता हूं। तो सबसे पहले कोई इनिमी आएगा स्पाइडर के 5 मीटर के एरिया में, तो ये स्पाइडर ऑटो उसको हिट करेगा, साथ ही साथ हिट करने के बाद देखिए उसका 80% मूवमेंट स्पीड खत्म होगा, साथ ही साथ जो है ना क्या है 5 सेकंड के लिए ये मूवमेंट स्पीड 80% कम रहेगा और 10-10 एचपी खत्म होता रहेगा, टोटल मतलब 50 एचपी इनिमी का खत्म हो जाएगा। स्पाइडर जिसको हिट करेगा उसका 80% मूवमेंट स्पीड खत्म हो जाएगा और 50 एचपी खत्म हो जाएगा अगले 5 सेकंड तक। तो देखिए रेडन का स्पाइडर का एबिलिटी में कुछ चेंज नहीं है, लेकिन स्पाइडर का जो टाइमिंग पहले 3 सेकंड था वो अब 5 सेकंड कर दिया गया है। मतलब 5 सेकंड तक इनिमी को हीट करके 5 सेकंड तक स्टैच्यू बना रहेगा और 5 सेकंड में 50 एचपी 10-10 एचपी करके 50 एचपी भी खत्म कर देगा। तो स्पाइडर की एबिलिटी को बढ़ा दिया और साथ ही साथ ये जो रेडन कैरेक्टर का कूल डाउन टाइम पहले 75 सेकंड था उसको घटा करके 60 सेकंड कर दिया गया है। तो ये चेंजेस है रेडन कैरेक्टर में, और रेडन कैरेक्टर न्यू एबिलिटी जो ना बहुत ज्यादा ओवर पावर है, बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक ना। तो मतलब कि रेडन कैरेक्टर ट्रैप करके इनिमी को मारने में और भी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एक्टिव कैरेक्टर जो है वो है सेंटिनो कैरेक्टर। सेंटिनो कैरेक्टर की भी एबिलिटी में बहुत ज्यादा चेंज किए गए हैं। तो चलिए सेंटिनो कैरेक्टर की न्यू एबिलिटी को पूरा डिटेल्स के साथ जानते हैं। तो सबसे बड़ा चेंज तो है कि ये जो सेंटिनो कैरेक्टर मिनियक रिलीज करता था, पहले ये 12 सेकंड तक मिनियक ट्रेवल करता था, ठीक ना, अब ये 25 सेकंड तक रहेगा ये मिनियक, ठीक ना, बहुत ज्यादा सेकंड तक रहेगा। पहले जो 12 सेकंड रहता था 25 सेकंड, समझ सकते हैं कितना देर तक ये मिनियक मैप पे रहने वाला है, बहुत ज्यादा ऑलमोस्ट डबल कर दिया गया एबिलिटी टाइम, ठीक ना। बाकी तो एबिलिटी सेम ही है, लगभग में सेम है, ठीक ना, कि मिनियक ये रिलीज करेगा, जैसे पहले मिनियक रिलीज करता है वो स्ट्रेट सीधा में ट्रेवल करेगा, अगर सामने कोई रिस्ट्रिक्शन होगा तो रुक जाएगा, बाकी एबिलिटी दबा करके भी रोक सकते हैं, ठीक ना, एबिलिटी दबा
नहीं सकते, मतलब स्विच कर सकते हैं, स्विच जैसे कर सकते हैं, और दो बार स्विच कर सकते हैं और बीच में 3 सेकंड का गैप रखना होगा। एक बार आप मतलब स्विच कर लिए मिनी एक्स से अपना पोजीशन, तो बीच में 3 सेकंड का गैप रखना होगा, और दो टाइम ही आप स्विच कर सकते हैं, तीसरा बार नहीं कर सकते। और ये मिनी एक्स 25 सेकंड तक ग्राउंड पे रहेगा, आप देख लीजिए 25 सेकंड आप जब कंप्लीट हुआ मिनी एक्स खत्म। और इसके बाद सेंटोनियो की ये भी एबिलिटी थी पहले भी और अभी भी कि सेंटोनियो का मिनी एक्स को जो भी डिस्ट्रॉय करेगा उसके सर के ऊपर एक पर्पल मार्क दिखेगा। आप यहां देख सकते हैं सेंटोनियो का मिनी एक्स को डिस्ट्रॉय किया, इसके सर के ऊपर पर्पल मार्क दिख रहा था, ठीक ना। तो मतलब कि सेंटोनियो की एबिलिटी में तो चेंज नहीं है, बस इसका जो टाइमिंग था, मतलब सेंटोनियो का एबिलिटी का यूज करने का टाइम जो 12 सेकंड था उसको बहुत ज्यादा बढ़ा करके 25 सेकंड कर दिया। साथ ही साथ कूल डाउन टाइम में भी बहुत ज्यादा चेंज किया है, जो पहले 75 सेकंड का कूल डाउन टाइम था सेंटोनियो कैरेक्टर का उसको घटा करके 60 सेकंड कर दिया गया। तो मतलब सेंटोनियो कैरेक्टर का एबिलिटी टाइम बढ़ाया और मतलब कूल डाउन टाइम घटाया, तो बहुत ज्यादा ओवर पावर बना दिया गया है ओबी 44 अपडेट के बाद सेंटोनियो कैरेक्टर। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है तत्सुया कैरेक्टर। तत्सुया कैरेक्टर एकमात्र ऐसा कैरेक्टर है जिसकी की एबिलिटी को घटाया गया है ओबी 44 अपडेट के बाद। तो चलिए हम लोग तत्सुया कैरेक्टर की न्यू एबिलिटी को थोड़ा जल्दी से जान लेते हैं। तो तत्सुया कैरेक्टर जो है ना अभी भी कंटिन्यू दो डैश यूज कर सकता है, ठीक ना, एक डैश दो डैश यूज कर सकता है ओबी 44 अपडेट के बाद। इसकी एबिलिटी में थोड़ा सा भी चेंज नहीं किया, बिल्कुल सेम एबिलिटी जो पहले था ओबी 44 अपडेट से पहले था वो ओबी 44 अपडेट के बाद है। लेकिन तत्सुया कैरेक्टर की एबिलिटी में जो बिल्कुल थोड़ा सा चेंज है वो चेंज किया है कि तत्सुया कैरेक्टर का जो कूल डाउन टाइम पहले 45 सेकंड था उसको बढ़ा करके 60 सेकंड कर दिया गया है, मतलब 15 सेकंड कूल डाउन टाइम इंक्रीज किया गया है। तत्सुया कैरेक्टर की एबिलिटी में एकमात्र यही चेंज है, बाकी बताने को कुछ नहीं। और मेरे पास एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है आप लोगों के लिए कि मैंने टीआरडी गेमर 2.0 के नाम से एक न्यू चैनल बनाया है जिसपे मैं डेली लाइव आता हूँ शाम में, वहां पर मैं गिल्ड टेस्ट टीम कोड सारा चीज से गेम प्ले करता हूँ, तो आप वहां पर आ सकते हैं मेरे से मिलने के लिए। तो बाकी इस वीडियो में तो बताने को कुछ नहीं है, मैंने जो 7 कैरेक्टर की एबिलिटी ओबी 44 अपडेट के बाद चेंज हुआ है, 7 कैरेक्टर की न्यू एबिलिटी को पूरा डिटेल से आप लोगों को बता दिया। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए जल्दी से और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।